खबर हल्द्वानी से है, जहां नशे के खिलाफ नैनीताल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि एसओजी और चोरगलिया पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 105 ग्राम स्मैक के साथ खटीमा के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर अभय सिंह देहरादून में आईटीआई का छात्र है, जो खटीमा के ही रहने वाले अपने दोस्त तुषार शर्मा से स्मैक खरीद कर लेकर आया था। वहीं पकड़ी गई स्मैक की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। अब पुलिस फरार तस्कर तुषार शर्मा की तलाश में जुट गई है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये एक जो अभियुक्त है, इसकी गिरफ्तारी हमारी एसओजी के द्वारा और थाना चोरगिला की टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो अभियुक्त है, इसके मामले में काफ़ी दिनों से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि ये बाहर से स्मैक लाके और हल्द्वानी में कुछ स्मैक के जो लोग हैं उनको ये सप्लाई करता है। तो इसके लिए हमारी एसओजी की टीम और जो थाने की टीमों ने सर्विलांस किया और कल इसको 105 ग्राम स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया गया है। ये मूल रूप से खटीमा का रहने वाला है और इसने प्रारंभिक जो पूछताछ है उसमें देहरादून में आईटीआई का छात्र होना बताया है।